अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज जो हमारा कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आरओ प्लांट से रिलेटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उजैर खान ने कमेंट करके पूछा है, भाई मेम्ब्रेन में स्मेल बैठ गई है, प्लीज इसका कोई केमिकल बता दें जिससे स्मेल खत्म हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई ने पूछा, भाई की जो मेम्ब्रेन है वो बोल रहे उसमें स्मेल बैठ गई है, ठीक है। अब मैं केमिकल तो बताऊंगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन ऐसा हो क्यों गया है? आपको पहले उसका जानना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम मेरे मेम्ब्रेन में आया क्यों, क्योंकि अगर आप उसका सॉल्यूशन जो है ना कर लेंगे, ठीक है, केमिकल वगैरह की सर्कुलेशन कर आगे इसका सोल्यूशन कर लेंगे, दो चार दिन के बाद फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसकी काज आपको पता होनी चाहिए कि ये हुआ किस वजह से, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाया करें, ठीक है ना, ताकि वो जो प्रॉब्लम है दोबारा ना आए। अब मेम्ब्रेन में स्मेल बैठ गई है, मेम्ब्रेन में स्मेल है, इस वजह से है, मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा आपकी बायोफॉलिंग हो गई है, मेम्ब्रेन के अंदर बायोफॉलिंग हो गई है। अब क्यों हो गई है, क्या हुआ? आपका जो प्री ट्रीटमेंट सिस्टम है, होता क्या है, प्री ट्रीटमेंट सिस्टम ठीक ना होने की वजह से आपका जो रॉ वाटर है उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद जो आपका मल्टीमीडिया फिल्टर है या कार्बन फिल्टर है वो ठीक से काम नहीं करेगा ना, तो क्या होगा, वही बैक्टीरियल कंटेमिनेशन पास होगी, वो पास होगी तो मेम्ब्रेन में से पास, मेम्ब्रेन में इन होगी, मेम्ब्रेन जाहिरी बात है वो जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह को भी रिमूव करता है, रिमूव तो करेगा लेकिन वो मेम्ब्रेन में बैठती जाएंगी, क्या होगा, मेम्ब्रेन में स्मेल जो है ना जैसे आप कह रहे हैं वैसे बैठ जाएगी। तो क्या करते हैं, जो प्री ट्रीटमेंट सिस्टम है आप उसको बेहतर बनाया करें, प्रॉपर बैक वॉशिंग किया करें, कार्बन फिल्टर की प्रॉपर बैक वॉशिंग किया करें, और जो कार्ट्रिज फिल्टर है उसको लाजमी उसको चेक करते रहा करें। जरूरी नहीं है कि अगर उसका प्रेशर नहीं बढ़ रहे तो आप कह रहे हैं कि यार इसके प्रेशर तो नॉर्मल है, कोई नहीं इसको चलाओ, दो महीने, चार महीने, छह महीने, गलत, उसमें क्या होगा, प्रेशर तो आपके नॉर्मल होंगे लेकिन जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है ना, बायोफॉलिंग होती है, वो पास होना शुरू हो जाती है। जब वो पास होना शुरू होगी आपकी मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मेम्ब्रेन से पहले जो आपके कार्ट्रिज फिल्टर है उसको लाजमी आप एक महीना, डेढ़ महीना, अगर गंदा पानी है तो एक महीने के अंदर अंदर उसको आपने लाजमी चेंज करने हैं, जो आपके कार्ट्रिज फिल्टर्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से पीछे बैक वॉशिंग है, उनको आपने अच्छे से करना है। आपकी प्री ट्रीटमेंट अच्छी होगी तो आपकी मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, आपकी मेम्ब्रेन में बायोफॉलिंग हो गई है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है जिस वजह से स्मेल आ रही है, अब उसको आपने क्या करना है, आपने उसकी सर्कुलेशन करवानी है, ठीक है ना। सर्कुलेशन किससे करवानी है, बायोसाइड से करवानी है, आरओ की क्लीनिंग के लिए, जैसे हम एंटीस्केलेंट उसमें डोज करते हैं, जो मतलब उसकी क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, एसिड क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, लो पीएच वाला केमिकल डोज करते हैं, हाई पीएच की अल्कलाइन क्लीनिंग के लिए हम हाई पीएच वाला केमिकल डोज करते हैं, इसी तरह से जो बायोफॉलिंग हो जाती है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोसाइड डोज करते हैं, बायोसाइड से उसकी सर्कुलेशन करवाते हैं, मतलब टैंक में बायोसाइड डाल के, ठीक है, 3 kg 4 kg, ठीक है ना, वो आपके प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है, और उसमें आरओ वाला पानी मिक्स करके पंप चला के आपने उसकी सर्कुलेशन कैसे करनी है, जैसे आप सीआईपी करते हैं, क्लीनिंग करते हैं आरओ की मेम्ब्रेन की, वैसे ही इसको आपने सर्कुलेट करवाना है, किस केमिकल के साथ, आपका बायोसाइड, आरओ मेम्ब्रेन के बायोसाइड मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड, ठीक है ना, बायोसाइड होते हैं, बायोसाइड नाम से ही आते हैं वो, ठीक है ना, वो मेम्ब्रेन के लिए ही डिजाइन होता है, वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी बायोफॉलेंट होता है ना, जितनी भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। आपने बायोसाइड से उसकी सर्कुलेशन करनी है, अब एक तो सर्कुलेशन आपने कर ली है, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉरन से उसको फ्लैशिंग पे नहीं लेके जाना, उसकी सॉकिंग करनी है, उसे सैनिटाइज करना है, ठीक है ना, मतलब आप सर्कुलेशन हो रही है, आपने एकदम से जो है पंप को बंद कर देना है, अब वो जो जितना भी जो आपका बायोसाइड था वो मेम्ब्रेन के अंदर रहने देना और 2 घंटे 4 घंटे के ये आरओ को बंद कर देना, ताकि वो जितना भी आपका केमिकल है मेम्ब्रेन के अंदर रहे और सैनिटाइज रहे और सॉकिंग में रहे और जितने भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है वो सारी डेड होके बाहर निकले। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी फ्लैशिंग करवानी है, वो पानी सारा ड्रेन करके फ्रेश वाटर से उसकी फ्लैशिंग करवा के फिर आपने चला देना है, तो आपके जितनी भी मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होगी सब खत्म हो जाएगी, स्मेल सब कुछ खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आपके सवाल का जवाब,
फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ समझ नहीं आया, और मेरे देखने वाले किसी दोस्त आरओ प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।